तो दोस्तों सब कैसे हैं। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ ऑलराउंडर छोटू, नहीं मैं हूँ छोटू और आप लोग देख रहे हैं ऑलराउंडर छोटू। तो चलिए आज को एक पार्सल हम लोग के पास है, स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये कोई ऐसा वैसा पार्सल नहीं है, ये बोला जाए कीमत से तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कीमत कोई काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा जो वो है दिल, ठीक है। तो जी यूपी वाले भैया, मेरा फ्लैश टॉर्च बनाया था घर में, वही यूपी वाले भैया, ठीक है, नितिन भैया मेरे को एक चीज़ गिफ्ट किया है, ठीक है। एक नहीं शायद दो ही है, मिला भी हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। तो वो मेरे को खुद ये भेज दिया है, ठीक है। तो नितिन भैया आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वाहेगुरु आपका बहुत ख्याल रखे, ठीक है, आप लोग खुश रहे। तो ये भेजने के लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद, ठीक है। मतलब कुछ बोलना नहीं है, मुझसे कोई शब्द नहीं है। तो डिलीवरी बॉय लोग का देखिए थोड़ा कैसा है, देखिए इतना अच्छा पार्सल बनाया था भाई ने, लेकिन इसको कैसे पिचका दिया है। तो मैं उन लोग को बोलूँगा कैसा ना करें। और वीडियो को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये वीडियो में आप लोग को दो दो वीडियो मिलेगा। डिलीफ्यूज कंपोजिशन मैंने शेयर किया था और डिलीफ्यूज मेकिंग आज इस वीडियो में मैं दिखा दूँगा। तो चलिए नितिन भाई का जो गिफ्ट है वो हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या है कैसा है आप लोग तो देख ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं ओपनिंग। दोस्तों इसको अच्छे से टेप किया गया है भाई, बहुत प्यार से पैकिंग किया है, देख के लग रहा है टेप बोरिया, ठीक है। तो चलिए भाई का सामान हम लोग खोलते हैं अभी। तो मैं काम करता हूँ, ऊपर से कोई भी एक जगह कट कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, कुछ कट कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा पैकिंग किया गया है, देखते हैं। तो इसके अंदर और एक बॉक्स है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं नीचे कोई भी चीज़ रख लूँगा, या चीज़ कोई रख लेता हूँ। अब इसको खोलते हैं कोई भी एक तरह। अरे तो देख सकते हैं कि बॉक्स को कर देते हैं साइड। इसमें देखिए इसमें कुछ है, हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सबसे पहले देखिए क्या है, एनसी रिड्यूसर, ठीक है, देख सकते हैं। एनसी थिनर भी बोला जाता है, तो यह है एनसी थिनर। काफ़ी कॉस्टली आता है दोस्तों, तो मैं कॉस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं बार बार बता दे रहा हूं, मैं दिल पे जा रहा हूं। भाई मेरे को इतने प्यार से भेजा है, थैंक यू भाई, धन्यवाद आपको। तो ये है एनसी थिनर, अब देखते हैं क्या है। खड़ा हो जाओ भाई। अरे ये देखिए भाई ने पूरा अच्छे से टेप करके भेजा है ताकि गिरे ना, ठीक है। ये है एनसी लेकर, क्लियर लेकर, ये देखिए टीटी क्लियर भी बोला जाता है, इसका बहुत बहुत नाम है, ठीक है, देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ मिल नहीं रहा था, भाई को मैंने बोला था मैसेज करके, तो भाई बोला कि हम भेज देते हैं कोई दिक्कत नहीं, और आपका सामने ही है। थैंक यू भैया, दिल से धन्यवाद। हमने ले लिया, अब चलिए डिलीफ्यूज मेकिंग में चल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं आ गया हूँ। डिलीफ्यूज का कंपोजिशन तो ऑलरेडी मैंने पहले शेयर कर दिया है, और यहाँ पे D1 लिखा है, ये D1 नहीं है, इसका कंपोजिशन ख़त्म हो गया डब्बा से, और मैं इसमें डिलीफ्यूज का कंपोजिशन रेडी कर लिया हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कोई भी एक पेपर में हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, रुकिए मैं पेपर ले लेता हूँ। ये पेपर हम पे लेना है, और ये रॉकेट का नोजल का सेटअप है मेरा ही, ठीक है, छोटा वाला रॉकेट का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे एक चम्मच, देख सकते हैं इसको मैंने डिलीफ्यूज का जो कंपोजिशन है ये मेजरमेंट करने के बाद इसको अच्छे से
दो बार से तीन बार पिसाई कर लेना है, एकदम स्मूथ हो जाएगा, देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है। ठीक है, तो इसको हम लोग भरेंगे। ये डिली फ्यूज जो है ये आपका कितना है, ये है 1.5 इंच का। ठीक है, 1 इंच इतना होता है, 1/2 इंच इतना, तो ये हम लोग 1 इंच तक फुलफिल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे दिए, देखिए यहाँ पर नेल जैसा कुछ है और यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है। इसको स्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे में आप ऐसे भी कर सकते हैं रख के। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये जो गड्ढा रहेगा ना अंदर, उसमें हम लोग फ्यूज अटैच कर सकेंगे। ठीक है, बीपी सॉल्यूशन देके, देखिए यहाँ पे रखा मैंने, ट्यूब थोड़ा अलग हो गया, उसको थोड़ा दाब लिए रखे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा भर लेते हैं, दिक्कत कम होगा, देख सकते हैं भर लिया, उसके बाद इसमें उलट देना है। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक रॉड है, लेकिन ये रॉड कौन सा है बोलिए तो, जो टीना में हुक लगा था ना, जे हुक, ये इस शेप में था, जे टाइप का, इसको मैंने पीट पीट के सीधा कर लिया, बहुत रोया, तो कोई बात नहीं। चलिए इसको यहाँ से पहले प्रेस करके इसको दबा लेना है, ठीक है, आराम से, ताकि अंदर मसाला बैठ जाए, चारों तरफ से करना है, अगर रॉड थोड़ा पतला है तो। डिलीफ्यूज का जो अंदर का ये है, इनसाइड डायमीटर है, आईडी जिसको बोला जाता है, वो है आपका 9 mm के अप्रोक्स। ठीक है, अब इसको कोई भी एक आप लोग लकड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं अभी इसी से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ठोकना है, ठीक है, ऐसे ठोकना है, देखिए यहाँ से नापेंगे हम लोग कितना हुआ है, 1 इंच तक ही गया है, थोड़ा मसाला जा सकता है, तो थोड़ा मैंने मसाला दिया, ज़्यादा नहीं, 1 इंच से ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, ये ख्याल रखना है। ठीक है, देखिए पीट पीट के बिछाना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पीट लिया, और एक चीज़ मैं जुगाड़ करना भूल गया, तो 2-4 को फ्यूज़ चाहिए, वो मैं यहाँ पे ला लूँगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक होल बन गया है। ठीक है, अब ये होल का काम क्या है मैं आगे प्रोसेस में बता दूंगा आपको। देखिए ये यहाँ तक भर दिया है मैंने, पूरा नहीं भरा है, देखिए अब नाप दिखाता हूँ, पकड़ लीजिए ये इतना का नाप है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग को भरना है, कितना भरा है देखिए, परफेक्ट 1 इंच, देखिए यही होता है काम। अब आप लोग को क्या करना है दिखा देता है, ओके, फ्यूज ले लूँगा अपना, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ्यूज है। आप जो ऊल से बनाइएगा ना फ्यूज, उसी वाला यूज कीजिएगा, तो ये बहुत दिन से धूप नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये फ्यूज़, देखिए मैं अब क्या करता हूँ, फ्यूज़ को 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा करना है। ठीक है, 1 इंच 300 करीबन, देखिए इसको फोल्ड कभी कर सकते हैं आप, देखिए 4 फोल्ड 5 फोल्ड करना है, जैसे यहाँ पर सेट हो, देखिए 4 फोल्ड किया, ये 5 फोल्ड किया, देखते हैं 5 फोल्ड में कैसा लूज टाइट होता है। हाँ, 5 फोल्ड 5 फोल्ड 6 फोल्ड दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पे 6 फोल्ड इस्तेमाल करूँगा, देख सकते हैं यहाँ से काट दूँगा इसको। ठीक, देख सकते हैं मैंने कट कर दिया, इसको रख देंगे। अब ये 6 फोल्ड जो फ्यूज़ है, ये क्विक फ्यूज़ का काम करेगा, कैसे करेगा, लाइक मेरे पास अभी भी बीपी बॉल मिल बीपी नहीं है, तो पकड़ लीजिए यही बॉल मिल बीपी है, तो इसको पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लगा लूँगा। ठीक है, ये तुरंत काम करेगा, यहाँ पे दिए, उसके बाद थोड़ा हाथों से इसके ऊपर भिगा देना है, मतलब लगा देना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्विक फ्यूज भी रेडी हो गया, अंदर थोड़ा लगता है तो ऐसे करके भर दीजिए, टाइट रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये हो गया रेडी, लेकिन ये ब्लैक पाउडर जब रहेगा तो
तुरंत काम करेगा, फिलहाल मेरे पास थोड़ा डिले फ्यूज का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको इधर से इग्नाइट करने के लिए हम लोग एक फ्यूज का जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेरा जो विस्को फ्यूज आया था ना, उसी को मैं इस्तेमाल करूँगा। देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा विस्को फ्यूज कट में है, देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे फिट कर दूंगा, देख सकते हैं जैसे तैसे कर कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूज तो नहीं रहता है, नॉर्मली ऐसा टी टाइप का फ्यूज दिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड काउंट करने के लिए आप लोग को बोलूंगा कितना सेकंड जल रहा है, कितना हाइट ले लेगा, आप लोग तो खुद समझता रहे, आप लोग जरूर बताइएगा और मैं खुद भी वीडियो को बार बार देखूंगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने दब दिया, तो डिले फ्यूज कहाँ तक भरा है हम लोग का, यहाँ तक आधा इंच है क्विक फ्यूज। तो ये बाहर निकलने का कारण है, स्टार को सब इग्नाइट कर देगा, स्टार और फ्लैश को इग्नाइट करेगा और यहाँ से जो गोला टोक रहेगा हम लोग का वो फट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कितना सेकंड होता है एक इंच में, कितना सेकंड जलता है ये। चलिए दोस्तों देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको रखा तो है लेकिन ये रॉकेट फ्यूल के जैसे काम करेगा, इधर उधर भागेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा इसी रॉड को इसके ऊपर ऐसे रखूँगा और एक ईटा उधर चढ़ा दूंगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक है अभी शायद ये भगेगा नहीं, प्रेशर पड़ गया है। तो एक बात मैं आप लोग को बता दूं इस वीडियो में, ये पिंक फ्यूज जब ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग हो जाएगी इग्नाइट होगा तब से काउंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, देखिए काउंट कीजिएगा। ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। देखिए ये होता है क्विक फ्यूज का काम। तो यही था डिले फ्यूज, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा खासा हाइट ले लेगा ये, मोटा मोटी 120 से 30 फुट ले लेगा दोस्तों। ये छोटा स्काई शॉट के लिए है, अगर बड़ा स्काई शॉट 3 इंच का चाहिए तो उसका भी मैं डिले फ्यूज का जो इंची होता है या फिर MM होता है वो मैं बता दूंगा। चलिए मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, लड़ेंगे तब तक जियेंगे जब तक। नेक्स्ट वीडियो सेल मेकिंग प्रोसेस, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर चाहिए। और हाँ, जल्दी 2K होने वाला है तो वो भी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए मेरा दिवाली से पहले। चलिए मिलते हैं।